चल 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 शाबाश। तो गाइस अभी बाइक ऑटो में चढ़ रही है, ये देखो भाई, भाई पूरी बाइक की ना हालत ख़राब हो गई, देख रहे हो इंडिकेटर वगैरह टूट गया, हेडलाइट भी टूट गई, इतना ज़्यादा दुख हो रहा है ना भाई। इधर बाइक ही नहीं से समझ आ रही है, देख रहे हो नीचे से, नीचे से बाइक गिर गई, आराम से आराम से भाई नीचे से लाना। हेलो एवरीवन, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सुगाई चक्रो आज का व्लॉग भी स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने घर से, आ जाने वाले हम अपने हंटर को देखने और उसको लोड भी करना है भाई, वो वहीं पे नरवाल चौकी के पास लगी हुई है, उसको लोड भी करना है ऑटो में और उसको लेके जाएंगे हम एजेंसी देंगे इंश्योरेंस पे, तो देखते हैं क्या सीन रहता है। मैंने अबरार को कॉल कर दिए, वो चौकी जाके उसने चाबी भी लाई और मेरी हेलमेट भी लाई, तो वो हमारा वेट कर रहे हैं भावे नाके पे, तो अभी भाई भी रेडी हो रहा है तो चलते हैं। सो गाइस पूरी वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा भाई किसकी गलती है, और पूरी वीडियो में बताऊंगा भाई का कितना डैमेज हुआ क्या हुआ है, तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जल्दी से हमारे 50K करो और अबरार के भी जाके ना जल्दी 20K कर देना भाई उसके, ठीक है। तो चलो अभी रेडी होते तो निकलते हैं यहाँ से, सीधा मिलता हूँ आपको जहाँ पे कल हमारा एक्सीडेंट हुआ था। फाइनली गाइस जहाँ पे कल हमारा एक्सीडेंट हुआ था और वहीं पे पहुँचे हम, क्योंकि रात को हमने बाइक यहाँ पे छोड़ी हुई थी, हमें लेट छोड़ा था पुलिस वालों ने। तो गाइस ये लगी अपनी बाइक और इसका आगे का ना सारा कुछ टूट गया है भाई, लॉक भी टूटा हुआ है, हेडलाइट भी लॉक टूट गया, ये वाला चाबी नहीं लग रही, इंडिकेटर वगैरह भी टूट गए भाई, ये देख लो जिसके साथ ठुके थे, ये देखना कंट्रोल है सामने ट्रक। गाइस ये जगह है ना, ये देख लो पूरी अंदर उसमें घुस गई थी ट्रक में, बट शॉकर बच गए हैं ना, पता नहीं शॉकर भी लीक हो गया क्या हो गया, नहीं नहीं शॉकर ठीक, क्या डिस्क जाम हो गई है, डिस्क जाम हो गई है, डिस्क जाम हो गई है, गाड़ी हिल भी नहीं रही है एक जगह से दूसरी, ये वाला भी टूट गया है, बाइक भी नहीं रही है, ये वाला इंडिकेटर भी टूट गया है भाई, ये देख रहे हो हालत, देखो बाइक की क्या हो गई है यार, इतना दुख हो रहा है ना, डिस्क जाम हो गई है पूरी, और क्या क्या पकड़िए रखो अपने पास संभाल लीजिए इसको, क्या करते हैं, इसका इंश्योरेंस ही लेना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते आप। गियर में स्टार्ट करने की कोशिश की, ऑन ही नहीं हो रही, चक्का ही नहीं घूमेगा, डिस्क की लॉक हो गई है, चक्का घूम ही नहीं रहा, घूम नहीं है, लॉक ही नहीं, ऑन ही नहीं हो रहा, अगर हो भी जाएगी तो आगे जाएगी ही नहीं है, ट्राई कर एक बार जरा, डिस्क जाम है ना, इसके ना ब्रेक पैड जाम हुआ है, ब्रेक पैड, हाँ ब्रेक पैड से जाम हुआ है, नहीं तो चल के चले जाती, हाँ कुछ फंसा होगा, आराम से आराम, ब्रेक पैड है ना, अगर अभी है ना ब्रेक पैड, अगर पूरी जाम हो गई है डिस्क, हम इसका मुंह खोल सकते हैं, कैलिपर ये भी टूट गया है पूरा, ये तो अंदर ही चला गया है, इस साइड कर, ब्रेक पैड जाम नहीं, कैलिपर जाम हो गया हुआ है, इसके अंदर ब्रेक पैड्स है ना, हाँ हाँ जाम हो गया हुआ है, कंप्रेस कर दी हुई है, खोलना पड़ेगा, वही तो बोल रहा हूँ, है ही नहीं चाबी वगैरह कुछ, ब्रेक दबाना एक मिनट, वो दबाओ, ये तो सारा ठीक है, बस इंडिकेटर टूटे हैं, हेडलाइट टूटी है, हैंडल भी ठीक ही है, और ये देखो ब्रेक भी टेढ़ी हो गई है। हमने बाइक ना साइड पे लगा दी है, अभी ऑटो वाले को हमने फ़ोन कर दिया है भाई, ऑटो वाला आएगा तो फिर उसमें इसको लोड करेंगे, फिर लेके जाएंगे इसमें, भाई क्या कर रहे हो, पकड़ यार मेरे को लगी है महराब, तरस खाओ मेरे पे, स्टैंड पे लगा ना भाई, तूने पूरी अंदर लगा दी है, स्टैंड लगाओ भाई, कंटा चुप गया यार, लगी रहा इसका यार, इसको क्या हुआ है, तू डबल वाले पे दबा रहा है बाबा, डबल वाला कोल को नहीं खुल रहा, डबल वाला को मेरा ठीक, फिर से चली जाएगी भाई, पूरी बाइक की ना हालत ख़राब हो गई, देख रहे हो इंडिकेटर वगैरह टूट गया, हेडलाइट भी टूट गई, इतना ज़्यादा दुख हो रहा है ना, अपनी S2 टूट गई, क्या कर सकते हैं, अब इंश्योरेंस पे लगानी पड़ेगी भाई, तो नाले में पैंग दी, मैं इसका मीटर वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है भाई, यही खराब हो गया, लॉक इसका लॉक ही टूटा है, ये देख रहे हो यहाँ से, देख रहे हो यहाँ से लॉक टूट गया है, पूरी खत्म हो गई है बाइक यार, ये देख रहे हो पूरी बाइक खत्म हो गई है यार, क्या करें, मीटर तो बिल्कुल ठीक है, मीटर को तो कुछ नहीं है, मीटर भी ठीक है, लॉक चेंज होगा, हेडलाइट चेंज होगी, और आगे से वही जो होगा, हम दोनों को हाथ में ही लगी है और एक ही जगह पे लगी हुई है, ये देख रहे हो ऐसे रखना यार, इधर एक ही जगह पे लगी हुई है, देख रहे हो इसके हाथ को भी यहीं पे लगी है और मेरे हाथ को भी यहीं पे लगी है, देख रहे हो दोनों पट्टियाँ, सो गाइज अभी ऑटो वाले को फ़ोन किया है तो वो आता है, तो फिर सो गाइज ये रही मेरी हेलमेट, और ये देख रहे हो इसका ना आगे से माउथ ही टूट गया था, स्क्रैच वगैरह तो आए होंगे, ये देख रहे हो यहाँ से स्क्रैच आया हुआ है, ये देख रहे हो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा भाई, आराम से चलाना ठीक है,
साइड पे लगा लेकिन आराम से लेना, चलेगी। ओए गाइस देखो हाथ को लगी हुई है लेकिन फिर भी बाज नहीं आना है भाई। आगे ले दानी के साथ जा, आगे आगे। मैं अपनी हेलमेट देख लेता हूँ भाई। गाइस डैमेज तो कहीं से नहीं हुई है हेलमेट मेरी, देख रहे हो। खाली माउंट पता नहीं टूटा हुआ है कि निकला हुआ है, वो भी मैं देखूंगा। गाइस इस ट्रक के साथ बजी थी हमारी बाइक यहाँ से, ये देख रहे हो इस सीट हो गया है ये, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, इसकी तो पूरी गलती थी। इसने अपनी गलती भी मानी थी वहाँ पे उस टाइम पे, पहले तो मान ही नहीं रहा था। जब मैंने वीडियो दिखाई थी कि भाई तेरी गलती है, तो वीडियो देख के मान गया था कि हाँ मेरी गलती है, क्योंकि यहाँ पे कर्व है ना, यहाँ पे दिखता नहीं था, ये यहाँ पे लगा हुआ था और इसने अचानक से वहाँ के लिए काटी थी, तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। हम यहाँ से आ रहे थे गाइज, तो अभी यहाँ पे हम ऑटो वाले का वेट करते हैं। ऑटो वाला आएगा तो फिर इसको लोड करेंगे ऑटो में, फिर लेके जाएंगे एजेंसी। ये तो अभी हम ऑटो वाले का वेट कर रहे हैं, लेकिन ऑटो वाला अभी तक आया नहीं आधा घंटे से, तो देखते हैं क्या सीन रहता है। तो ऑटो वाला आएगा फिर इसको हम लोड करेंगे, तो फिर लेके जाएंगे एजेंसी, देखते हैं क्या सीन रहता है। और तेरा हाथ ठीक है ना अभी? गाइस ये देख लो, उसका लेफ्ट टूटा, मेरा राइट, मेरा राइट वाला टूटा है, तेरा लेफ्ट वाला। फाइनली गाइस लगभग एक घंटे के बाद यहाँ पे ऑटो आ गया है भाई आराम से, क्योंकि हिल भी नहीं रही है गाड़ी यार, इसको लोड करनी है। सो गाइस अभी हमें लोड करनी है बाइक इसमें, तो देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। भाई ब्रेक तो लगा लो, बस बस पीछे बाइक है। गाइस अभी लोड करते हैं इसमें यार बाइक, मेहरा भाई अकेले उठा लेगा है ना, है ना, आजकल जिम जाता है ना, तो ये अकेले उठा लेगा मेरी हेलमेट। ओ ओ हो भाई, भाई यार दूसरी वाली भाई, इधर भाई की नहीं समझ आ रही है, देख रहे हो नीचे से करो, नीचे से गाइस बाइक गिर गई, आराम से आराम से भाई, नीचे से करना। भाई हमारे हाथ ही टूटे हुए हैं, मेरा हाथ टूटा है भाई, उठाओ 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 उठाओ, दो दो इधर, उठाओ उठाओ, खींचो खींचो खींचो, क्लच पकड़ो क्लच, चल खींच खींच, हिल भी नहीं रही है, खींच पीछे जा पीछे जा, आहिस्ता आहिस्ता। अब आगे से टायर उठा के इधर कर ले, उस साइड के लिए, हाँ वेरी गुड, कैसे लेके जा रहे हैं, अगला टायर उठाओ, मैं पीछे से ऐसे करता हूँ ऊपर, चलो 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 दानी उठा के ऊपर, टायर ब्रेक दबा, मैं तीन गिनूंगा, ब्रेक में है ही नहीं तो उठा भाई, आप देखो यार मेरा हाथ नहीं लगेगा, हैंडल पकड़ो वहां से, हैंडल हैंडल पकड़ो ऊपर, भाई को हैंडल पकड़ा देना, चल 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 शाबाश। तो गाइस अभी बाइक ऑटो में चढ़ रही है, ये देखो भाई, थोड़ा आगे ले, थोड़ा आगे ले, मेरा ऊपर चढ़ के ले, चलो 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 उठाओ, पीछे से उठानी पड़ेगी भाई, आप हैंडल पकड़ लो, ये देख रहे हो ना ब्रेक भी टूट गई है, ये देखो 1 2 3 गो, चलो चल 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 चल, चढ़ गई चढ़ गई फाइनली गाइस, ऑटो में बाइक चढ़ गई है। भैया बांध लेना ठीक है रस्सी से, उसको बांध दो भैया, रुक जा रुक जा। सो गाइस बाइक तो लोड हो गई है, देख रहे हो ना क्या। सो गाइस आप प्रे करो कि जल्दी से अपनी H2 ठीक हो जाए और हम फिर से व्लॉग अच्छे अच्छे बनाए, आप प्रे करो जल्दी से हमारी बाइक मिल जाए। कल से ऑटो में आऊंगा व्लॉग बनाने, कल से ऑटो में आऊंगा, फाइन से जाना ठीक है, ज्यादा तो नहीं लगी है ये, अभी स्वेल है बहुत ज्यादा, ये देख रहे हो इसकी हालत यहाँ से, और तुम मेरे गाइस इसके हाथ को भी लगी हुई है, ये देख रहे हो दोनों हाथों को ही लगी, मेरा राइट, मेरा लेफ्ट क्या है, इसका राइट क्या है, मैं ऑटो में आऊंगा ठीक है, अपने उधर से लेके मेरा वेट करना, देखो भाई महीना मेरे को ऐसे आना पड़ेगा, रियल स्ट्रगल अब स्टार्ट हो गया, कोई देखो महीना नहीं यार उतना काम नहीं है, अब देखना भाई कब तक जल्दी मिल जाएगी, आगे से कह रहे हैं पूरा खत्म हो गई है, आगे से नहीं बंद हुआ। सो गाइज अपनी बाइक लोड भी हो गई और भैया ने बांध भी लिए ताकि इधर उधर ना हो, तो अबरार ऑटो में जाने वाला है, चल ठीक है मिलते हैं फिर, ओके बाय टेक केयर, कल मेरे को फोन कर देना, हाँ फोन कर दूंगा मैं देखो। सो गाइज अभी इसको देना इंश्योरेंस के लिए ठीक है, वहाँ पे भी आराम से उतारना कि अपनी बाइकें यहाँ पे लगी हुई हैं, तो चलो भाई निकलते हैं यहाँ से फुल पावर, मैं एक बार फिर से क्लिप डालूंगा, देखना गंदा क्रैश हुआ था हमारा,